दिन से है? क्या समस्या होती है, कितने मतलब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम सर ये होता है जो बार बार लोग पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कहाँ से आए आप? अंबेडकर नगर से, उत्तर प्रदेश। ये बताइए, ये लोग नोटिस करते हैं क्या, इसको देखते हैं? हाँ सर नोटिस करते हैं, कोई देखता है तो बोलता है कि यहाँ ये क्या हुआ है। अच्छा, अभी भी मतलब कोई और बात नहीं करता, डायरेक्ट इसी पे बात करता है? डायरेक्ट इसी पे बोलते हैं। इसी तो ये प्रॉब्लम होती है बेसिकली फेस वाले में ना जी। फेस का जो स्कार होता है उसमें ये बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ना जी। कैसे हुआ है, कैसे हुआ है? इसमें लोकल एनेस्थीसिया में करेंगे, छोटा सा स्कार है, इसको निकाल देंगे, है ना जी। ठीक है, तो आप ये अम्बेडकर नगर से आए, देख रहे हैं इनका स्कार, हम स्कार रिविजन करेंगे इनका। ठीक है, फोरहेड पे स्कार है, इनका निकालेंगे और धीरे धीरे टाइम के साथ, जो कोई भी स्कार जो होता है कम्प्लीटली टाइम के साथ मिनिमम होता है। ठीक है, 90-95% टाइम के साथ ही आता है। शुरुआत में तो आएगा तो सुधार, पर टाइम के साथ जैसे देखा जाएगा वन ईयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है, टू ईयर में, फिर टू एंड हाफ ईयर में काफ़ी कुछ कम हो जाता है, पर थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसमें। आप भी टाइम दोगे तो आपका भी रिजल्ट अच्छा है। ये आपको जैसा भी सामने से कोई नोटिस करता है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी जी। है ना, 6 महीने तो दिखेगा ये, धीरे धीरे कम होता जाएगा सबका। हमने यही देखा है सबका रिजल्ट धीरे धीरे, आप कुछ भी करा लो जी। रिजल्ट तो उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा कि टाइम के साथ ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आपको समय देना पड़ेगा, इस कार रिविजन सर्जरी में थोड़ा समय देना पड़ता है और धीरे धीरे रिजल्ट आता है। ठीक है जी। तो आपने पुराने वीडियो देखा होगा जी, सब में यही बताते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पुराने एक्सपीरियंस है पेशेंट के, उनके रिजल्ट 1-2 साल में काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो आपको इतना समय तो देना पड़ेगा, 1 दिन में तो नहीं होगा कोई भी चीज़, है ना। अभी निकाल देंगे पतले धागे, आपको जैसे अभी कोई फ्रंट पे नोटिस कर रहा है वो चीज़ खत्म हो जाएगी जी, अभी से। बहुत हाँ, पास से कोई देखेगा तो वो पता चलेगा, आप चेहरे से शीशे में देखोगे वो दिखेगा, पर दूर से कोई भी आएगा तो जैसे आपसे अभी नोटिस कर देता कि ये कैसे हो गया, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो शुरुआत में देखा होगा, हम इनका स्कार रिविजन सर्जरी करेंगे। यहाँ भी फोरहेड पे स्कार है तो आप देख सकते हैं, ये हम मार्किंग करके इनका स्कार है, ये अभी मार्किंग कर रहे हैं, ये स्कार हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये मार्किंग किया है हमने, यहाँ लगाओ कर लगे, तो हमने मार्किंग किया है तो आप देख सकते हैं फोरहेड पे स्कार। जैसा कि देख सकते हैं अभी हमने इस कार निकाल दिया है, अब हम अंदर की लेयर की सूचर करेंगे। ठीक, देख सकते हैं अभी अंदर की लेयर लगा दिया है हमने, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा अप्रॉक्सीमेशन हो गया है। तो अभी बाहर की लेयर लगाएंगे, है ना, तो इस कार काफ़ी मिनिमम है अभी भी। जैसे कि आपने देखा हमने इनकी स्कार रिविजन सर्जरी कंप्लीट कर दी है, तो आप देख सकते हैं इस कार काफ़ी फाइन आया है इनका, अभी धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट आता जाएगा इसमें, है ना। तो जो भी इस कार रिविजन का रिजल्ट है वो टाइम के साथ ही इम्प्रूव होता जाता है। तो जो इस कार रिविजन सर्जरी हमारे चैनल में काफ़ी सारे वीडियो है, इस कार रिविजन सर्जरी से रिलेटेड रिजल्ट, सर्जरी कैसे करते हैं, कौन सा फीचर यूज़ करते हैं, आप सारा हमारे प्ले लिस्ट पर जाके इस कार रिविजन का है आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि गर्मियों में करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, और ऑब्वियसली कोई भी समर से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, आप गर्मियों में भी करा सकते हैं, सर्दियों में भी करा सकते हैं, और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी इमरजेंसी जो सर्जरी होती है किसी भी टाइम की जा सकती है, तो उसमें भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, इससे कोई रिलेशन नहीं है सर्दी और गर्मी से।